नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जोकोन AS किट के बारे में, जिसमें आपको तीन प्रकार की दवाइयां देखने को मिल जाती है। यह एक कॉम्बिनेशन किट होती है दोस्तों। किट के नाम से आप जान सकते हैं कि किट होती है जिसमें कॉम्बिनेशन होती है तीन दवाइयों का, जिसमें आता है आपका फ्लुकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन, सेक्रेटोनाजोल। फ्लुकोनाजोल इसमें 150 mg में देखने को मिलता है, एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम में और सेक्रेटोनाजोल भी इसमें 1 ग्राम में देखने को मिल जाता है। फ्लुकोनाजोल एक एंटी फंगल है, एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और सेक्रेटोनाजोल एक एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वर्जाइनल सिंड्रोमिक ट्रीटमेंट के लिए, यानी जो फीमेल्स की लिक्योरी डिजीज़ होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे इसके अलग अलग बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इसके अलावा आप किन किन चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर अभी नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहती है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, इसमें ये FDC फार्मा का एक एथिकल प्रोडक्ट आता है जोकोन AS किट के नाम से, लेकिन इसके और भी सब्स्टिट्यूट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपका लिजोल 3 किट नाम से शियोन टैबलेट आती है, सैफपिड आती है और भी कई प्रकार के ब्रांड नेम से देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर ये महिलाओं के वर्जाइनल इन्फेक्शन के लिए या फिर कहें तो लिक्योर डिजीज़ के लिए, जिसको वाइट डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम या श्वेत पर्दर भी कहा जाता है, उन चीज़ों के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके और भी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ये काम कैसे करता है दोस्तों, जो हमारी जो वर्जाइनल इन्फेक्शन के लिए होता है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मतलब एक तरह के छोटे बैक्टीरियल जो होते हैं, उनको ख़त्म करता है या फिर उनको रोक कर उनकी ग्रोथ को कम करता है और उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, जिससे इन्फेक्शन वगैरह दूर होने में मदद मिलती है। इसमें दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है तीन है, तो आप जान सकते हैं एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक इसमें कंटेंट के साथ ही मिलकर बनाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहला जो मेन यूज़ इसको यूज़ किया जाता है दोस्तों वर्जाइनल सिंड्रोम ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि महिलाओं के लिए आपका लिक्योर डिजीज़ हो गया, श्वेत पर्दर हो गया या फिर वर्जाइनल में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से कमर दर्द, बैक पेन वगैरह होना, वीकनेस आना या फिर वर्जाइनल में फंगल इन्फेक्शन हो जाना। और साथ साथ में इसमें दोस्तों मस्तिष्क फंगल इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, कैंडिडाइटिस हो गया आपका, माउथ थ्रस हो गया, यानी माउथ में जो होते हैं सफ़ेद सफ़ेद सी पपड़ी जमने लग जाती है, जिसको जैसे आपके कभी ना कभी देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा माउथ में पपड़ियाँ जमने लग जाती है वाइट कलर की, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। वर्जाइनल थ्रस हो गया, यानी ये योनि और लिंग दोनों में ही इसका यूज़ किया जाता है, जो भी इन्फेक्शन होता है। एथलीट फुट हो गया आपका, रिंग वर्म हो गया और नेल इन्फेक्शन जैसे इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये तो दोस्तों एक फ्लुकोनाजोल का यूज़ है, जो मेन यूज़ है इनके वो यही होते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आपको ये यूज़ कर सकते हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन भी इसमें, तो आपको अगर थ्रोट इन्फेक्शन है, टॉन्सिल है, इन्फेक्शन है तो भी इसका यूज़ किया जा सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दोस्तों, सेक्रेटोनाजोल दोस्तों एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दोस्तों इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है, यानी अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर इसको लिक्योर डिजीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर आपको पर्सनली मतलब कि आपको लगता है कि कोई और मेडिसिन नहीं है तो आप इसका उस तौर पे ले सकते हैं टेम्प्रोली तौर पे, ज़्यादातर इसको लिक्योर के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि इसके इंग्रेडिएंट के हिसाब से मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। ये कुछ बहुत अच्छी टैबलेट है, एथिकल में आती है FDC फार्मा की, और भी आपको जेनरिक के रूप में भी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट के, तो दोस्तों कुछ साइड इफ़ेक्ट कॉमनली हो सकते हैं, जैसे कि वर्जाइनल इन्फेक्शन या फिर वर्जाइनल में इचिंग होना, खुजली होना, वोमिटिंग, नॉसेज होना, सरदर्द या फिर डाइजनिंग होना, या फिर ऐसे कुछ और भी डायरिया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी डोजेस की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें तीन किट आती है, तीन टैबलेट आती है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। फ्लुकोनाजोल दोस्तों सुबह खाना खाने के बाद यानी नाश्ते के बाद आपने लेना होता है, और जो एजिथ्रोमाइसिन होता है वो दिन के खाने में 1 घंटा पहले आपने इसका सेवन करना होता है, नॉर्मल पानी से ही, कोई दूध चाय नहीं है। और रात को जो होता है वो आता है आपका सेक्रेटोनाजोल 1 ग्राम को आपने रात को खाना खाने के बाद आपने कंटिन्यू ले सकते हैं। लगभग तीन एक दिन में डोज होती है, लगभग इसको 1 हफ्ते तक भी यूज़ करवाया जा सकता है डॉक्टर की सहायता से। दोस्तों हम आपको पहले बता दें, ये आपकी जानकारी के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं आपको, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन हो सके कि कौन सी मेडिसिन कौन से यूज़ के लिए किया जा सकता है। लेकिन कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपकी डोजेज होती है, अप डाउन होती है,
और अगर आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो दोस्तों आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए हम ज़रूर कहते हैं कि डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों प्रिक्यूशन की बात करते हैं तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है मदर बच्चे को, चाइल्ड को इसका डोज वगैरह नहीं देना चाहिए, और इसको लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट भी ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स इनके होते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये था कुछ दोस्तों आपका जोकोन एस किट के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो में कुछ मिस हो गया, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली मैसेज करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्प्ले पर भी शो हो रहा होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।